तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं हवा से लीव्स, उसमें जो है ऐड करते हैं वाटर। वाटर कहाँ से लेते हैं? जमीन में से, मतलब के मिट्टी में से, अपने जड़ों से सोख लेते हैं पानी को। और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम मिला देते हैं तो सनलाइट की एनर्जी के साथ, ठीक है, सनलाइट की एनर्जी कहाँ से आई? क्लोरोफिल पे पड़ी है ना, क्लोरोफिल में पड़ के अंदर गई वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। और उसके बाद क्या बनाया इसने? ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमारे काम आता है, और ग्लूकोज किसके काम आता है? प्लांट्स के काम आता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज इनका खाना होता है मेन, उससे अपनी पूरी एनर्जी की पूर्ति करते हैं। सिर्फ एनर्जी की ही पूर्ति नहीं करते, बल्कि अपने जो है बाकी सारे ये अंग जो है, क्या कहें, तो अपने प्लांट को ग्रो भी कराते हैं इस ग्लूकोज के जरिए। कैसे कर पाते हैं? देखिए यहाँ पे लिख रखा है, कह रहे हैं कि जो शुगर इन्होंने बनाई है ना, इसे वो मिक्स कर देते हैं नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, कभी फॉस्फोरस के साथ, जो कि इनको मिलता है सॉइल से। सॉइल में होते हैं ये सारी चीजें, खाद में होती है और बहुत सारी चीजों के अंदर, सॉइल के अंदर ही मिल जाती है ना। इससे मिक्स करके स्टार्च बना लेते हैं, फैट्स बना लेते हैं, प्रोटीन्स बना लेते हैं, विटामिन्स मिला लेते हैं, और बहुत सारे जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना लेते हैं जो इनके जिंदा रहने के लिए जरूरी होते हैं। तो हो गया इनका पूरा काम खत्म, हो गया सिर्फ ग्लूकोज बना देने से, है ना, सब कुछ हो जाता है इनका। बस ये सनलाइट इन्हें मिलती रहे, ये ग्लूकोज बनाते रहेंगे, और उसके बाद ग्लूकोज से ही ये बाकी अपने सारे जो प्रॉब्लम्स हैं जिंदा रहने के लिए उन्हें फुलफिल कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रैक्टिकल टाइम। इसमें एक बहुत ही सिंपल सा एक प्रैक्टिकल दे रखा है आपको करने के लिए, अगर आप करना चाहें तो। कैसे? कुछ सॉल्यूशन दे रखे हैं, उसके अंदर आप जो है एक पत्ते को डुबाइए, उसमें भिगा दीजिए और कुछ देर के लिए रख दीजिए। आपको उसका कलर चेंज होते हुए दिखेगा, ब्लू ब्लैक कलर का। वो इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसके अंदर जो है ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि हर प्लांट जो है अपने पत्तों में क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता रहता है। आगे देखिए क्या है, रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। किस किस चीज की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए? अभी हमने बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत तो होगी, वो हम कहाँ से लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड? हवा से लेंगे। हवा में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हवा में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी होती है। कहाँ से होती है? एनिमल्स जो भी सांस लेते हैं ना, तो वापस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, तो हवा में मिल जाती है इनको अच्छी खासी कार्बन डाइऑक्साइड। उसे वो ले लेते हैं प्लांट्स के अंदर, उनके होते हैं छोटे छोटे से होल्स, उससे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट है वाटर। वाटर कहाँ से लेते हैं? वो सबको पता है कहाँ से लेते हैं, जमीन से ले लेते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? उनके लीव्स में प्रेजेंट होता है ना क्लोरोफिल। तो असल में मैंने बताया कि मेम्ब्रेन होती है कौन से सेल की? क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है। तो उसमें होती है लीव्स के अंदर, जो भी आपको ग्रीन कलर का पार्ट दिखेगा पूरे प्लांट में वो सब उसके अंदर होगा, मतलब कि क्लोरोफिल, ठीक है, ग्रीन कलर का ये तो है क्लोरोफिल। नेक्स्ट है सनलाइट, ठीक है, जहां से सनलाइट मिल जाए वहां से वो ले लेते हैं, मतलब एक ही जगह से मिलेगा सन की लाइट। वैसे बताया आपको ये सनलाइट ही जरूरी नहीं है, अगर नॉर्मल लैंप ही हो ना लैंप, तो कई बार उससे भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो जाती है। आगे है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। क्या क्या चीजें हैं जो कि अफेक्ट करती हैं फोटोसिंथेसिस को? तो तीन बड़े रीजन है जिसकी वजह से अफेक्ट होते हैं। पहला तो यही कि सनलाइट चाहिए ही चाहिए, है ना। सनलाइट अगर नहीं मिलेगी तो कैसे होगा? और अगर सनलाइट बहुत ज्यादा भी हो गई तब भी प्रॉब्लम की बात है ना, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा भी हो गई अगर धूप की तो भी थोड़ी सी दिक्कत की बात है। पर फिर भी अगर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है ना तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस फास्ट हो जाती है आमतौर पे, ठीक है। मतलब नुकसान तो पहुंचेगा, जाहिर सी बात है, प्लांट्स को सूख फूक जाएंगे वो, पर ओवरऑल जो है उस थोड़ी देर के लिए प्लांट के जो फोटोसिंथेसिस की स्पीड है वो बढ़ जाती है। और नेक्स्ट है आपका कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो हवा में तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है ग्लूकोज बनाने के लिए, वो कम हो तो भी जो है नहीं हो पाएगा आपका फोटोसिंथेसिस, होगा तो बहुत स्लो अमाउंट में होगा। नेक्स्ट है आपका क्या चीज कि अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो या बहुत ज्यादा ठंड हो तो उसमें भी नहीं हो पाता, जैसे कि मैंने भी बताया है ना बहुत तेज धूप है तो वो भी दिक्कत की बात है। आगे देखिए क्या है प्रैक्टिकल टाइम। देखिए क्या बोल रहे हैं कि टेस्ट करने का तरीका बता रहे हैं कि सनलाइट की जरूरत है या नहीं लीव्स को। बोल रहे क्या, लीव आप तोड़ के लाइए कहीं से और जो है ना आधा उसे कवर कर दिए काले कपड़े से या काले पेपर से, और आधा ऐसे ही खुला छोड़ दिया, उसे आप सनलाइट में रख दिए एक दिन के लिए, और उसके बाद वापस लाइए और उस पर सेम टेस्ट करिए, हमने पहले करा था वो केमिकल वाला। जब आप टेस्ट करेंगे तो देखेंगे कि आधा हिस्सा जो कि आपने सनलाइट में छोड़ा था वो तो आपका जो है कलर चेंज कर दिया, पर बाकी का आधा जिसे आपने ढक दिया था उसने कलर चेंज नहीं करा, मतलब कि ग्लूकोज खाली वो आधे हिस्से में बना पत्ते के, ठीक है। तो इससे हमें पता लग गया कि जरूरी है, बहुत जरूरी है आपका सनलाइट। आगे देख लिए क्या है, व्हाट यू लर्न। तो देखिए क्या है, पहले में द केमिकल कंपाउंड रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म आर टर्म्ड एज, बताइए जो भी चीज जरूरत पड़ती है केमिकल कंपाउंड किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। आगे क्या है, डैश मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स, बताइए कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है ग्रीन प्लांट्स में। नेक्स्ट है आपका लाइट यूज इन फोटोसिंथेसिस इज अब्सॉर्ब्ड बाय द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड, बताइए ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या है जो कि मिलता है आपको प्लांट्स के अंदर। और नेक्स्ट है आपका प्लांट गेट्स डैश फ्रॉम एयर